हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस रेसिपी में बताने वाले हैं खमन कैसे बनाते हैं। खमन बनाने का बिल्कुल आसान और बहुत ही बढ़िया सा तरीका है दोस्तों। बिल्कुल आप इस रेसिपी को देखकर बिल्कुल स्पंजी और बिल्कुल सॉफ्ट सा आप खमन ढोकला बना सकते हैं। चलिए दोस्तों रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम फाइन बेसन। बेसन को दोस्तों हमने अच्छे से यहाँ पर छान कर लिया है। अब हम दोस्तों इस बेसन का बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम ठंडा पानी। उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और दोस्तों हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच शुगर पाउडर। हमने यहाँ पर दोस्तों 3 चम्मच पीसी हुई शक्कर ली है। अब हम दोस्तों इसके अंदर डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। 2 छोटे चम्मच दोस्तों इसके अंदर हमें ऑयल डाल देना है। इन सबको डालने के बाद दोस्तों हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले दोस्तों हमें इसमें 1 लेमन का जूस डाल देना है। दोस्तों हमने यहाँ पर दोस्तों 1 नींबू लिया था और उसका अच्छे से जूस निकाल लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो दोस्तों हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम दोस्तों इसको बेसन के अंदर डाल के दोस्तों हम बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे। दोस्तों हमें सारा पानी बेसन में एक साथ नहीं डालना है, पहले दोस्तों हमें आधा पानी डालना है और बेसन में हमें पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमें इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और दोस्तों हमें जो है खमन का बैटर अच्छे से तैयार कर लेना है। इससे दोस्तों हमारा जो पानी एक साथ डालने से दोस्तों इसमें लम्स बन जाते हैं। आप लोग दोस्तों थोड़ा थोड़ा पानी करके डालोगे तो इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और दोस्तों हमारा जो खमन का बैटर है वो बढ़िया सा स्मूथली बनकर तैयार होगा। इस तरह दोस्तों हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और इसमें मिक्स करते रहना है जिससे दोस्तों इसका जो है लम्स नहीं बनेंगे। दोस्तों हमें इसमें सारा पानी डालने के बाद इसको इस तरह हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों 3 से 4 मिनट हमें इसे अच्छे से इसी एक ही दिशा में दोस्तों इसे लगातार इस तरह हमें फेंटते रहना है जिससे दोस्तों हमारा जो खमन के वो बैटर है दोस्तों वो परफेक्टली अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा खमन का बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी जो है दोस्तों हमें इस तरह इतनी पतली रखनी है और दोस्तों हमें इसको अच्छे से मिक्स करके दोस्तों 10 से 15 मिनट तक हमें इसे रेस्ट के लिए रख देना है। जब तक दोस्तों इसे रेस्ट होता है हम यहाँ पर इसकी जो तैयारी है दोस्तों वो कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इस तरह का एक बर्तन लेंगे, उसको दोस्तों हमें इसे ऑयल से अच्छे से चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे ताकि दोस्तों इसको हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि दोस्तों जब भी हम खमन ढोकले को पलटी करेंगे दोस्तों अच्छे से हमारा जो खमन है वो बाहर निकल जाए। सो दोस्तों हमारा जो बैटर है उसको लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। 10 से 15 मिनट होने के बाद दोस्तों इसको हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से फिर से दोस्तों उसी दिशा में अच्छे से हमें इसको फेंट लेना है। इसको दोस्तों हमें अच्छे से फेंटने के बाद अब हम इसे डालना है दोस्तों इनो। हमने यहाँ पर दोस्तों एक ये छोटा वाला पैकेट सारा दोस्तों इसके अंदर हमें इनो का डाल देना है। साथ ही दोस्तों हमें इसमें डालना है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और इनो डालने के बाद दोस्तों हमें इसको अच्छे से मिक्स करने हैं। बेकिंग सोडा और ये इनो डालने के बाद दोस्तों हमारा जो खमन का बैटर है वो इस तरह अच्छे से हमें फूल जाएगा। इसको फूलते समय दोस्तों इसको इस तरह लगातार हमें अच्छे से फेंटता रहना है। फेंट कर दोस्तों हमारा जो फूला हुआ बैटर है उसको हमें फेंटते रहना है। फेंट कर दोस्तों हमें वापस उसे उसी स्टेज पर ले जाना है। दोस्तों हमें इसको ये फूला हुआ है उसको फेंट फेंट कर दोस्तों हमें इसे उसी स्टेज पर वापस दोस्तों इसे नीचे हमें बिठा देना है। सो देखिए दोस्तों हमारा जो बैटर है वो हमें नीचे अच्छे से बैठ चुका है। अब हम दोस्तों इसको जो है हमने ये जो ऑयल वाली थाली ग्रीस की थी दोस्तों उसके अंदर हम ये सारा बैटर डाल देंगे। हमें यहाँ पर दोस्तों ये जो सारा जो बेसन का खमन ढोकला बनाने का बैटर तैयार किया था दोस्तों सारा हमें इस थाली के अंदर डाल देना है। थाली के अंदर डालने के बाद दोस्तों हमें थाली को अच्छे से इस तरह हिलाना है जिससे दोस्तों हमारा सारा बैटर है वो थाली के अंदर अच्छे से चारों तरफ फैल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में दोस्तों हमने थोड़ा सा पानी और एक स्टैंड रख दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें इसे अच्छे से ढक देंगे। अच्छे से ढककर दोस्तों हमें इसे लगभग 25 से 30 मिनट दोस्तों अच्छे से हमें पका लेना है। सो दोस्तों देखिए हमारा जो खमन ढोकला है वो पूरी तरह अच्छे से पक चुका है। इसको दोस्तों लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम दोस्तों इसका ढक्कन निकाल लेंगे। ढक्कन निकालने के बाद देखिए दोस्तों हमारा जो खमन ढोकला है बिल्कुल परफेक्ट सिक चुका है। उसके बाद दोस्तों एक सीख लेनी है और इसके अंदर हमें डालकर देख लेना है। जब दोस्तों हमारा ये खमन सीख के ऊपर चिपकता नहीं है तो दोस्तों ये अच्छे से तैयार हो चुका होता है। सो देखिए दोस्तों हमारा जो खमन तैयार है। अब हम दोस्तों इसको 2 से 3 घंटा ठंडा होने के लिए रख देंगे। चलिए दोस्तों जब तक हमारा खमन ठंडा होता है हम यहाँ पर दोस्तों इसका जो तड़का है वो तैयार कर लेंगे।
तड़का तैयार करने के लिए दोस्तों हमें इसमें डाला है एक बड़ा चम्मच ऑयल और दोस्तों थोड़ी सी इसमें लाल राई और थोड़े से दोस्तों हमने इसमें ग्रीन चिल्ली डाल दी है। इसके दोस्तों हमें लंबे लंबे स्लाइस काट लिए थे। अब हम दोस्तों इसमें थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ता और इन सबको थोड़ा सा दोस्तों हमें भून लेना है। थोड़ा सा ही भूनना है दोस्तों, हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। थोड़ा सा दोस्तों जब ये भून जाए इसके बाद दोस्तों हमें इसमें 500 ग्राम पानी डाल देना है। साथ ही दोस्तों हमें इसमें 4 चम्मच शुगर पाउडर भी डाल देना है। उसके बाद दोस्तों हमें इसे अच्छे से एक बार उबाल लेना है। जैसे दोस्तों इसमें इस तरह अच्छे से उबाल आ जाती है उसके बाद दोस्तों फ्लेम को बंद कर देना है और दोस्तों हमें किसी दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेना है। सो देखिए दोस्तों हमारा जो खमन है वो पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम दोस्तों इस तरह इसको अच्छे से चारों तरफ से चाकू घुमा लेंगे दोस्तों, जिससे हम इसको पलटी करेंगे दोस्तों ये आसानी से निकल जाएगा। इस तरह चाकू घुमाने के बाद दोस्तों इसको किसी दूसरे बर्तन में इस तरह इसको अच्छे से हमें पलट लेना है। पलट कर दोस्तों इस तरह हमें ऊपर से इसको फ्रेश करना है, जिससे दोस्तों हमारा जो खमन है वो सारा बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा जो खमन है वो पूरी तरह परफेक्टली तैयार हो चुका है। बिल्कुल बहुत ही स्पंज और बहुत ही टेस्टी खमन तैयार हुआ है दोस्तों। अब हम दोस्तों इसकी इस तरह चौकोर साइज में मोटे मोटे पीसेस कटिंग कर लेंगे। हमारा जो खमन है दोस्तों वो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी स्पंज है। आप लोग बताना दोस्तों कमेंट करके कि हमारे जो खमन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और आप दोस्तों हमारी रेसिपी को देखकर आपने खमन बनाए तो वो भी जरूर कर कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप लोगों का जो खमन है वो कैसे बना। देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा जो खमन है वो किस तरह बना। देखिए बिल्कुल स्पंज और बिल्कुल बहुत ही स्पंजी हमारा जो खमन है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब जो दोस्तों हमने यहाँ पर खमन के लिए तड़का तैयार किया था वो सारा दोस्तों इस तरह चम्मच से हम इस सारे खमन के ऊपर अच्छे से डाल देंगे। हमें यहाँ पर दोस्तों सारा खमन जो सारा तड़का जो दोस्तों पूरे खमन के ऊपर अच्छे से डाल देना है। सो दोस्तों यहीं पर हमारा जो खमन ढोकला की रेसिपी है दोस्तों तैयार हो चुकी है। आप लोग बताना दोस्तों कमेंट करके हमारे जो खमन ढोकला की रेसिपी है दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी। और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दोस्तों इसी तरह की आप लोगों को हलवाई वाले वीडियो देखना पसंद है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों उस घंटे वाले बटन को भी दबा दीजिए।